हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो क्या आप अपनी फेसबुक आईडी पे, आप अपना फेसबुक आईडी के अंदर जो लास्ट सीन है वो आप हाइड करना चाहते हो, या आपने किसी का जो मैसेज है वो रीड किया है वो आप हाइड करना चाहते हो, यानी सेंडर को पता नहीं चलेगा कि आपने उनका मैसेज है वो रीड कर लिया। यानी जिस बंदे ने आपको, आप जो फेसबुक मैसेंजर पर मैसेज भेजा है, तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपने उनका मैसेज है वो रीड कर लिया, जबकि आपने मैसेज है वो रीड कर लिया। और आप फेसबुक पर लास्ट कब ऑनलाइन थे वो भी सीन है, वो नहीं होगा। और ये सीन नए होने के साथ साथ आप ऑनलाइन हो या नहीं हो ये भी पता नहीं चलेगा कैसे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सब बात करने वाले। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, तो सिंपली आप फेसबुक के अंदर मैसेंजर के अंदर जाके चैट है वो ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका लास्ट सीन पता नहीं चले कि आप कब ऑनलाइन थे, और सेंडर को ये पता नहीं चले कि आपने उनका मैसेज है वो रीड कर लिया या नहीं कर लिया, उसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल और सबसे हटके तरीका बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो इसका गलत उपयोग है वो न करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो वो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग कैसे फेसबुक पे अपना लास्ट सीन है वो हाइड करेंगे, और सेंडर को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उनका मैसेज है वो रीड कर लिया है या नहीं कर लिया है। ऐसे ही बहुत कुछ उसके अंदर आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउज़र है उसको क्या करना है, ओपन करना है। और जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हो तो उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ ऐप वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा है वेब स्टोर पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको स्टोर सर्च के अंदर सर्च करना है फेसबुक, तो ये आ गया फेसबुक अनसीन। तो जैसे ही आप ये सब सर्च करोगे तब आपके सामने कुछ इस टाइप के लोगो आएंगे, तो इनमें से जो फर्स्ट वाला है इसको आपको यूज़ में लेना है और इसको सिंपली क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, तो ये ऐड हो जाए, बस हो गया ऐड। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे फेसबुक आईडी वो लॉग इन करनी है। तो मैं सिंपली मेरी फेसबुक आईडी वो यहाँ पर लॉग इन कर, फ्यू सेकंड का समय लेगा। तो ये फेसबुक आई डी वो ओपन हो गई, पासवर्ड लगने वक्त से देता है। चलिए तो अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आना है और अनसीन फेसबुक वाले पे क्लिक करना है। तब आपको यहाँ पे बहुत सारे दिखाई दे रहे होंगे, तो इसमें से सारे ऑप्शन आपको वो ऑन कर देना है। यदि आप इसको मैसेंजर के अंदर भी यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप वो अलाउ कर सकते हो, और मैसेंजर पर भी आप यूज़ करोगे तो मैसेंजर पर भी आपका जो भी चैट होगा वो अनसीन रहेगा और आपका लास्ट सीन भी है वो शो नहीं होगा। तो यहाँ पे भी मैं अलाउ कर देता हूँ। तो अब मैं यदि फेसबुक चलाऊँगा तो मेरे इन सब पे, मैं तो मैसेंजर पर मुझे लास्ट सीन दिखाएगा, पर अदरवाइज किसी को भी, जैसे मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो भी उसको टाइपिंग नहीं दिखाएगा। मेरे पास मैसेज डिलीवर हो गया है, मैंने सीन कर लिया, वो भी नहीं दिखाएगा कि मैंने उसको देख लिया या नहीं देख लिया। तो इस तरीके से आप वो अपनी सेटिंग है वो कर सकते हो, जो बहुत ही ईजी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय धन्यवाद। और आपके फिर भी कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर जाके कॉमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई है वो तुरंत दूंगा। जय हिंद। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आप फेसबुक पर अपना लास्ट सीन हाइड कर सकते हो, और सेंडर का मैसेज भी है वो सीन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय धन्यवाद जय हिंद। और हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट करें,
और नेक्स्ट वीडियो मैं उसी टॉपिक पे बनाऊंगा।